हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्टडी फॉर योर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। तो देखिए, मिड सेमेस्टर बहुत पास है, मिड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मिड सेम के बारे में मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। मिड सेम के मार्क किस तरह से आपकी फाइनल्स में एड होंगे ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बट ये मैंने अब तक ये वीडियो का टॉपिक नहीं लिया था कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको आंसर करना चाहूंगा कि हाउ टू स्टडी फॉर योर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आप अपनी स्कूल लाइफ खत्म करके यहाँ पे आप कॉलेज की लाइफ में जंप करते हो, कॉलेज में आप आते हो, तब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आदत आपकी छूट जाती है वो है आपकी लिखने की आदत। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे हाउ यानी कि आप किस तरह से मिड सेम के लिए प्रिपेयर करें, तो इसका बेस्ट आंसर होगा कि आप लिखने के साथ साथ मिड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक ही एडवाइस ये रहेगी, एक ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके सीनियर के पास से मिड सेम का एग्जाम्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो किसी भी हाल में निकाल लीजिए, और वो एक बार मिड सेम का जो पेपर है वो मॉक मिड के लिए यानी कि अपने आप सेल्फ वॉलंटियरिंग फोन के अंदर आप यहाँ पे टाइम लिमिट सेट करके, सपोज मान लीजिए कि 50 मिनट की मिड सेम थी पिछले साल, तो 50 मिनट के अंदर ट्राई करें वो पेपर कंप्लीट करने की। तो ये आपके लिए बहुत ही एडवाइजेबल है कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जब नए होते हो तब यहाँ पे स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कत आती है, तो ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप सिर्फ एक बार यहाँ पे नोट करके सारी की सारी जो पिछले साल जिस तरह से मिड सेम हुई थी वैसे सीनियर के पास से वो पेपर निकाल लीजिए। सीनियर्स आपको डेफिनेटली दे देंगे, अगर वो नहीं देते तब उसकी एक फोटोकॉपी निकाल लेना, और उसके बाद यहाँ पे एक बार डेफिनेटली ट्राई करना मॉक मिड सेम एग्जाम अटेंड करने की। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को यहाँ पे टाइमिंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, वो टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते इसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट मिड सेम के लिए क्या यहाँ पे आप प्रिपेयर करें, तो इसका आंसर मैं बहुत ही सिंपल करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे मिड सेम के अंदर जो भी आपकी यहाँ पे फेकल्टी लेक्चर्स के अंदर आपको बताती है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में था, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में होता है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट और टॉपिक आपकी जो फेकल्टीज है वो आपको लेक्चर्स में बता देती है, तो आपको सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है मिड सेम की एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे आपके मिड सेम के एग्जाम में होने ही वाले हो और डेफिनेटली होंगे। तो उसके अलावा यहाँ पे पिछले साल का वो सब्जेक्ट्स का जीटीयू का जो जीटीयू मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पे सपोज मान लीजिए डीडीयू में हो, DAICT में हो, PDPU में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, बट पिछले साल का पेपर एक बार जरूर से देख लेना, तो उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो ये आपके लिए सेकेंड एडवाइस रहेगी। थर्ड, हाउ मच कितना पढ़ना चाहिए आपको यहाँ पे मिड सेम के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जनरली आपकी फैकल्टीज ऑलरेडी बता देती है कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं फॉरेन एग्जांपल लेता हूँ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में फैकल्टी ने आपको ऐसा बोला कि टोटल यहाँ पे 10 चैप्टर है, 10 में से जो फर्स्ट के 5 चैप्टर ऑलरेडी चल चुके हैं वो मिड सेम में होंगे, तो आपको इतना ही पढ़ना है, और ये पांचों चैप्टर में से सारा का सारा नहीं पढ़ना है, जो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव और जो IMP कंटेंट है वही पढ़ना है, बाकी का आप सब कुछ स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।